Bonjour everyone, so welcome to my channel. मैं ना रिसेंटली राजस्थान गई थी और राजस्थान में भी ना मैं जयपुर गई थी और सच बताऊँ तो जयपुर मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा. मतलब हाँ, अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती तो आई गेस आप लोग सस्ते में ले सकते कुछ भी, बट अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा महंगा. तो मैं ना फर्स्ट डे जब हमारा जो टूर था वो हमने सोचा था कि हम मतलब हवा महल जंतर मंतर वगैरह कवर कर लेंगे. तो हम ना वहाँ गए थे, जंतर मंतर गए, वहाँ पे कठपुतली का शो हो रहा था तो हमने वहाँ पे कठपुतली पेयर्स में खरीदी. और वहाँ पे ना जो सबसे बड़ी वाली कठपुतली थी उसका प्राइस वो 5000 बोल रहे थे, बट मेरे को 5000 तक की नहीं लगी. आई गेस उसका प्राइस 2500 समथिंग भी होता तो हाँ सही था, वर्थ इट था, बट 5000 आई डोंट थिंक सो, काइंड ऑफ नहीं सही नहीं लगा मुझे. अब फिर उसके बाद हम हवा महल गए थे. हवा महल के पास ना जो मार्केट्स थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव कपड़े थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव शूज़ थे, हील्स थे वगैरह. तो बट ना वहाँ की मार्केट मेरे हिसाब से मतलब वो लोग बोल देते हैं कि फिक्स रेट है और वो लोग बार्गेनिंग वगैरह नहीं करने देते हैं. तो वहाँ पे बहुत महंगा पड़ा, बहुत ज़्यादा महंगा. फिर मेरे को ना किसी ने सजेस्ट किया कि हवा महल के ना साइड में स्ट्रीट टाइप की जाती है ना, वहाँ से अगर शॉप करोगे ना तो मतलब कि मार्केट के हिसाब से सस्ता मिलेगा. एंड यस, वहां सस्ता था. ओह माय गॉड, वाओ. मतलब हम ना हमारी शॉपिंग फर्स्ट डे नहीं हो पाई क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी हर चीज, बहुत ज्यादा. फिर नेक्स्ट डे हम गए थे वहाँ जल महल गए थे. और जल महल की जो स्ट्रीट्स है ना, ऐसा हो रहा था हम जन्नत पहुंच गए. वहाँ पे हर सामान बहुत ज़्यादा सस्ता था, बहुत ज़्यादा सस्ता, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सस्ता. मतलब वहाँ पे जो एसेसरीज थी, मतलब दीज थी, मतलब जैसे ब्रेसलेट्स, एक ब्रेसलेट मैंने अभी पहना भी है. तो जो वहाँ ब्रेसलेट्स थे वो हमें 50 के पड़ रहे थे और वही सेम ब्रेसलेट हमें मार्केट में 100 के पड़ रहे थे. गाइस 100 के, 50 रुपये का अंतर है, पूरा 50 रुपये का. तो हमने मतलब कि बहुत सारे ले लिए थे, हम सोचे थोड़े गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी जाएंगे और थोड़ा हमारे पर्सनल यूज़ के लिए भी जाएंगे. तो हमने ऐसे 10 पैकेट्स ले लिए थे उसके, क्योंकि फिर यहाँ कुछ और मिलने नहीं वाला है. फिर उसके बाद हम गए थे सिटी पैलेस. मेरे को तो उसके बारे में बात भी नहीं करनी, बहुत गंदा था सच्ची, बहुत ज़्यादा गंदा. मतलब रॉयल टूर लिया है तो हाँ आई गेस सही है, बट अगर हमने खाली नॉर्मल टूर लिया है तो पैसा वेस्ट है, 300 रुपीज़ आपके वेस्ट हैं. हाँ अगर आप स्टूडेंट आईडी वगैरह लगाते हो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा उसमें. मतलब मेरा तो 50% ऑफ हर जगह था बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी. तो फिर मैं आपको अब दिखाती हूँ धीरे करके मैंने क्या क्या बाय किया. अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन्स. तो ना किचन्स के अलग अलग प्राइसेज है वहाँ. मतलब ये वाला तो हमें 30 का पड़ा था, मतलब 30 का लग भी रहा है. वो देखिए इसकी कितनी सही फिनिशिंग की है, मतलब इसमें ग्लिटर लगा रखा है, इसमें नग वग सब चिपका रखे हैं और ये वुडन है पूरा. सो हाँ, काइंड ऑफ 30 वॉज अ गुड प्राइस फॉर इट. और फिर हमने ना 20 रुपीज़ वाले भी ले लिए. फिर बात आती है हमारे उनकी एसेसरीज की. तो फिर ना हमने वो लिए थे ब्रेसलेट टाइप के, मतलब एक ब्रेसलेट तो मैंने पहन भी रखा है, ये कुछ ऐसा है, इसमें ना हाथी वाला वो है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है तो मैं इसको हमेशा पहने रखती हूँ, मैं जब से आई तब से पहना ही है. तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये मैंने बहुत सारे ले लिए थे, मैंने कहा था पहले कि मैंने बहुत सारे ले लिए तो ये इतने सारे हैं. तो मतलब सबका पैटर्न अलग अलग है, मतलब कुछ ऐसे पैटर्न हैं मेरे पे, कुछ ऐसे हैं. और एक तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, वो मैं आपको दिखाती हूँ. ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा है लिटरली. और इनका प्राइस ना मेरे को 50 रुपीज़ पड़ा, मतलब बहुत सही रेट में पड़े हैं और ये गिफ्ट करने के लिए भी बहुत सही है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सही है. देखा होगा कि राजस्थान के जो नेकलेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सुंदर से होते हैं. सो हमने एक ना ये वाला नेकलेस लिया था, ये चोकर टाइप का है, इसको ऐसे पहनते हैं. ये तो ना बचता भी है ये हाँ, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड इसका प्राइस आई गेस 250 समथिंग का पड़ा था. सो हाँ, 250 में इट इज़ अ गुड थिंग, मतलब हाँ वर्थ इट. और इसके साथ ना ऐसे इयररिंग्स भी आए थे,
क्यूट से लग रहे हैं। और इसके साथ एक रिंग भी आई है हमारी। रिंग तो मेरे हिसाब से कोई पहनेगा नहीं, बट ठीक है, 250 में जितना मिल रहा है। ये हमारी रिंग है, रिंग रिंग रिंग, ये भी बचती है। फिर ना हमने ना ऐसे भी लिए थे मिरर्स टाइप के, देखो कितना तो अच्छा इसमें हर चीज़ कितनी अच्छी से बनाई गई है। पूरा वुडन है, पूरा देख सकते हैं, पूरा वुडन है। और तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा हमें, तो हमने बाय कर लिया था। और इसका प्राइस मुझे नहीं पता। फिर हमने ना ये भी ली थी एक कॉपी टाइप की, और सर बताओ इसको देख के ना एकदम हिस्टोरिक वाइब्स टाइप की आ रही है। मतलब देख सकते हैं आप, इसमें हर चीज़ ऐसे ऐसे करके रिटर्न है, आई डोंट नो क्या रिटर्न है। और ये देखिए ये पूरा पेंटेड है, और इसमें यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें ट्री के पेपर यूज नहीं किए गए हैं, जो ग्रास है उसके यूज किए गए। और मैं इसकी पेजेस दिखाती हूँ, ऐसा लगेगा ना इसमें लिखते हुए ऐसा लगेगा ना कि हम कहीं रानी है। तो ये कुछ ऐसी है, और इसका ये इसको खोलते हैं। सो या ये ऐसी है कुछ, बीबी ने खुल लिया रे, अब खुलेगी। मतलब जो नेचुरल पेजेस हैं, इनकी नेचुरल हैंडमेड पेजेस है पूरे, उनकी स्मेल बहुत गंदी है, बट ठीक है। मतलब ना जब उसमें लिखोगे ना बहुत अच्छी वाइब्स आने वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स, लिटरली बता रही हूँ। फिर ना हमने ना कुछ हैंगर्स टाइप के भी लिए थे, मतलब जो झूमर टाइप के नहीं होते हमने वो भी लिए थे। और सच बताओ वो हमें 100 रुपीज़ में एक झूमर पड़ा, और वो इतना ज़्यादा सुंदर था। मतलब उसमें ना एक एक चीज़ कलर थी, एक एक चीज़ मतलब हर चीज़ बहुत बारीक बनी हुई थी। और उसमें ना वो भी थे मतलब बचता भी है वो जब हवा चलती है ना, ऐसे छू वहाँ पे। अगर आपको इसे गिफ्ट करना है तो हैंगर वो ही हो गए। और हाँ हमने मीनाकारी वाले ना वो भी लिए थे कि हैंगर्स टाइप के नहीं होते हैं, वो भी लिए थे, वो भी अभी मैं दिखाऊंगी। और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मीनाकारी जो वर्क हुआ था ना उसमें वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हुआ था। और अगर आपको ना मतलब अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है तो आप कड़े ब्रेसलेट्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हो, मतलब हाँ बेस्ट है। और वहाँ पे ना इयररिंग्स भी मतलब बहुत सुंदर हैं, बट आई गेस वो इयररिंग्स आपको ना आपके लोकल में भी मिल सकते हैं, मतलब जहाँ पे आप रहते हो ना वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। बट जैसे कि ना लाख के इयररिंग्स होते हैं वो हमें मतलब पूरे जयपुर में मेरे को तो कहीं नहीं मिले। तो हाँ अगर आप बोलोगे तो आई थिंक सो वो काइंड ऑफ सही है, बट जो नॉर्मल इयररिंग्स होते हैं वो मत लेना, उसमें पैसा वेस्ट करोगे आप, पूरा पैसा वेस्ट। तो मैं आपको बाकी दिखाती हूँ मैंने कौन से हैंगर्स लिए थे और कौन से वो झूमर टाइप लिए थे। तो ये हमारा हैंगर है, और इसमें आप देख सकते हैं मीनाकारी वर्क किया गया है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, सच्ची बता रही, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये पूरा वुडन है, और इसके पीछे भी जो है ना वो पूरा वुडन है, और इसमें मैंने अपने हैंगर्स वगैरह टांग रखे हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।